ओके इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ व्हाट इज़ डायनामिक फील्ड एंड व्हाट इज स्टैटिक फील्ड एज वेल एज वी सॉ व्हाट इज फेज़र तो आप रिकॉल करिए कि किसी भी साइन वेव को इन इन द फॉर्म ऑफ फेज़र रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेज़र क्या है फेज़र एक वेक्टर है और वेक्टर है मतलब इसको आर थीटा के फॉर्म पे पोलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंसेप्ट इस कि साइन वेव को फेजर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपने दूसरी चीज़ क्या देखा कि व्हाट इज स्टैटिक फील्ड एंड डायनामिक फील्ड स्टैटिक फील्ड यदि केवल स्पेस का फंक्शन हो स्पेस मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो हम स्टैटिक फील्ड बोलते हैं यदि स्पेस के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन हो तो हम इसको क्या बोलते हैं डायनामिक फील्ड भी बोलते हैं अब यहाँ पे देखें कि दिस फील्ड इज़ आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस फील्ड क्यों इंस्टेंटेनियस बोलते हैं क्योंकि यदि कोई भी पैरामीटर यदि टाइम का फंक्शन हो यदि वोल्टेज टाइम का फंक्शन हो तो वी से इट्स इट्स अ इंस्टेंटेनियस तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि पोगेशन इन द केस ऑफ वेब प्रोपगेशन वी ऑलवेज प्ले विथ डायनामिक फील्ड तो डायनामिक फील्ड में यहाँ पे देखिए कि क्या ये डायनामिक फील्ड है बिल्कुल है क्योंकि टाइम का फंक्शन है मैंने यहाँ पे लिखा ई e, ये एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा ई इज़ द फंक्शन ऑफ जेड टी ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती वेक्टर क्वांटिटी आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है जेड कॉमाटी क्या स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है बिल्कुल है तो क्या मैं इसे डायनेमिक फील्ड बोलूँगा बिल्कुल बोलूँगा क्या ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है बिल्कुल है फिजिकल टू ए नॉट ए नॉट क्या है एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड बीटा क्या होता है फेस शिफ्ट कॉन्स्टेंट और ये ये क्या बताता है ये आपको हमेशा बताएगा कि, कि किस डायरेक्शन पे वेव का प्रोपगेशन है तो ये आपको ये बता रहा है कि जेड डायरेक्शन पे वेव का प्रोपोगेशन है तो जेड में भी दो डायरेक्शन हो सकती हैं एक प्लस जेड हो सकता है एक माइनस जेड तो ये हम सीखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ए वाई ए वाई क्या है डायरेक्शन है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का तो चलिए इसको कैसे समझा जाए आप इसको इस डायग्राम से समझिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है कि ये एक एंटीना है एंड वट इज एंटीना एंटीना इज़ नथिंग बट इट्स अटालिक स्ट्रक्चर जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करता है रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है तो चलिए देखिए ये इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है वाई डायरेक्शन की तरफ है मतलब मैंने देखिए इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा ए वाई कैप ए वाई कैप लिखा है इस चीज़ का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है ए वाई डायरेक्शन पे है लेकिन वेव का प्रोपोगेशन किस तरफ हो रहा है जेड डायरेक्शन पे तो यहाँ से क्या आइडेंटिफाई होगा कि वेव किस डायरेक्शन पे प्रोपोगेट हो रही है यहां से क्या आइडेंटिफाई होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन और डायरेक्शन किस तरफ है ए नॉट क्या बताएगा एम्पलीट्यूड को बीटा क्या कहलाता है फेस शिफ्ट कॉन्स्टेंट अच्छा देखिए आप क्या यहां पर हम ये रूल लगा सकते हैं पी इज इक्वल टू ई क्रॉस एच बिल्कुल लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे देखिए हम हमेशा कौन सा यूज़ है, हैंड कौन सा यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल ये फिंगर्स किसको बताते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाम का परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करिए तो आपको थंब की डायरेक्शन पे वेव का प्रोपोगेशन मिल जाएगा आप यहाँ पे भी करके देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए इसका सिग्निफिकेंस ही यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसकी तरफ घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तरफ। यानी इसको ऐसा समझिए कि रोटेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड तो ये इसका सिग्निफिकेंस था तो चलिए हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेव किस डायरेक्शन पे प्रोपेगेट हो रही है वेव का प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है जेड डायरेक्शन पे बट हमें अभी ये नहीं पता है कि प्लस जेड पे जा रहा है कि माइनस जेड पे जा रहा है चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए आपने कभी सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा होगा तो सिग्नल एंड सिस्टम में जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ है किस ये ग्राफ है तो ये मान लीजिए एक्सटी एक का ग्राफ है एक्स का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ माइनस वन से वन इसका एम्पलीट्यूड कितना है टू और आपने आप आपसे किसी ने बोला कि ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स टी माइनस वन तो आपको क्या करना है टी माइनस वन आर्ग्यूमेंट को जीरो के बराबर पुट करिए तो टी इजकल टू क्या मिले वन ये क्या बताता है कि टाइम की एक्सिस में आप क्या ऐड कर दो वन ऐड कर दो तो चलिए वन ऐड करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वन यहाँ पे क्या है जीरो यहाँ पे वन अभी टाइम के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ तो क्या ऐड करना वन तो माइनस वन में प्लस वन ऐड करिए जीरो में प्लस वन ऐड करिए वन में वन प्लस वन ये ऐड करिए तो देखिए क्या होगा माइनस वन प्लस वन क्या आएगा आंसर जीरो जीरो प्लस वन वन आएगा वन प्लस वन टू आ गया और फिर वेव फॉर्म को बनाइए ऐसा बनेगा वेव फॉर्म मतलब क्या बात समझ में आई कि यदि मैंने ऑर्ग्यूमेंट को मॉडिफाई किया ऑर्ग्यूमेंट के अंदर यदि कुछ भी मॉडिफिकेशन किया और मतलब ब्रैकेट के अंदर यदि कुछ भी मॉडिफिकेशन किया तो सिग्नल किस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो गया राइट वर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट हो गया तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं एक्स टी प्लस वन तो क्या बताया था प्रोसीजर टी प्लस वन को ज़ीरो पुट करिए टी इज इक्ल टू माइनस वन मतलब टाइम की एक्सिस में क्या करना है माइनस वन ऐड करना है तो देखिए माइनस वन में माइनस वन ऐड करिए जीरो में माइनस वन ऐड करिए वन में माइनस वन ऐड करिए तो माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू जीरो माइनस वन माइनस वन हो जाएगा वन माइनस वन जीरो सिग्नल किस तरफ शिफ्ट हो गया लेफ्ट व डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो गया टी माइनस यदि आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ माइनस हो रहा है तो सिग्नल किस तरफ शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड डायरेक्शन पे यदि आर्ग्यूमेंट के अंदर यदि कुछ प्लस हो रहा है तो सिग्नल किस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन पे तो सेम कॉमन सेंस मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो अब देखिए आर्गुमेंट में कैसा है कुछ माइनस टाइप की चीज़ है तो ये बात पक्की है कि ये सिग्नल ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है राइट वर्ड डायरेक्शन पर शिफ्ट होगी तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस एक्सिस पे देखिए यहाँ पे कितना होगा जीरो इधर जेड की कैसी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू इधर क्या होगी नेगेटिव वैल्यू तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस डायरेक्शन पे प्रोपेगेट करेगी प्लस जेड डायरेक्शन पे यानी हमने कंक्लूजन क्या निकाला यदि यहाँ पे माइनस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस जेड डायरेक्शन पे शिफ्ट होगी तो चलिए आगे और देखते हैं कि इस वेव फॉर्म को देखिए इस वेव को देखिए आप देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है ये देखिए पहले देखिए क्या ये डायनामिक फील्ड है बिल्कुल है ए नॉट क्या बताता है एम्पलीट्यूड ओमेगा टी प्लस बीटा जेट बीटा क्या कहलाता है फेस शिफ्ट कॉन्सटेंट जेड क्या कहलाता है ये जेड क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मतलब जेड डायरेक्शन पे वेव प्रोपोगेट कर रही है ए वाई क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इससे क्या मिलेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से रिकॉल करिए चलिए फिर से रिकॉल करिए यहाँ पे आप कि रिकॉल करिए कि ये ए वाई क्या था यहाँ पे देखिए ए वाई किस को बता था डिस बता को बताता था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड किस को बताता था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को यदि साइन माइनस है यहाँ पर तो राइट वर्ड डायरेक्शन पे प्लस जेड डायरेक्शन पे वेव प्रोपोगेट होगी तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ, यहाँ पे वेव का प्रोपोगशन किस तरफ होगा यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन है तो मतलब वेव का प्रोपोगशन किस डायरेक्शन पर होगा माइनस जेड डायरेक्शन पर होगा चलिए मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी क्या रखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सब्जेक्टेड विथ टू टाइप्स ऑफ फील्ड वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड चलिए मैंने आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखी कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस आप यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है एक्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है वाई की तरफ क्या ई क्रॉस एच रूल लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं कौन सा हैंड यूज़ करना पड़ेगा राइट हैंड फिंगर्स किसको बताएंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पाम का परपेंडिकुलर किसको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चलिए ई e को एच की तरफ रोटेट करिए आपको डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन मिल जाएगा अच्छा यहाँ इस फिगर को देख के क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ किस डायरेक्शन पे वेव का प्रोपोगेशन है जेड डायरेक्शन पे चलिए ऐसा फील्ड लिखा E वेक्टर जेड टी डायनेमिक फील्ड है क्यों क्योंकि वेब के प्रोपोगेशन के केस में हम कैसा फील्ड लेते हैं डायनेमिक लेते हैं ए नॉट एम्प्लीट्यूड कोई दिक्कत नहीं कॉस ओमेगा टी वेव का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है प्लस जेड डायरेक्शन पे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बीटा जेड ये यह तो यहाँ से तो वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन मिल गया अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है एक्स की तरफ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ए एक्स कैप अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाई की तरफ तो मैंने क्या लिखा ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेकिन यहाँ पे ईटा से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री स्पेस इंपीडेंस से हम डिवाइड करते हैं ये मेरे वेव प्रपोगेशन का, का एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा उसमें मैं इस ईटा का सिग्निफिकेंस समझा दूंगा तो आपको सिर्फ़ यहाँ पर डायरेक्शन समझना है और इक्वेशन लिखना सीखना है तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसका डायरेक्शन लिख सकता हूँ वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन बता दिया मतलब इस इक्वेशन में बहुत कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं पहली चीज़ क्या कि मुझे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता चल जाएगा और उस फील्ड का ओरिएंटेशन पता चल जाएगा तो यहाँ से ये यह बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए दोनों किस तरीके के फील्ड हैं डायनामिक फील्ड हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने एक और सिचुएशन रखी तो क्या देखिए मैंने बोला कि वे प्रोपोगेशन इन प्लस जेड प्लस वाई डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस की तरफ एक्स की तरफ तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखना चालू किया ई e, वाई टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं माइनस बीटा वाई लिखा है माइनस बीटा वाई मतलब आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि वेव का प्रपोगेशन किस तरफ हो रहा है वाई डायरेक्शन के तरफ हो रहा है वाई डायरेक्शन में भी वो भी किस तरफ प्लस वाई की तरफ अच्छा एजेड किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन जेड एक्सिस की तरफ है इसलिए मैंने यहाँ ए जेड लिखा तो सोच के देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे एच वाई टी ए नॉट डिवाइडेड बाई ईटा ईटा फ्री स्पेस इंपीडेंस बोलते हैं इसको कॉस ओमेगा वेव का प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है प्लस वाई डायरेक्शन पे इसलिए माइनस अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है ए एक्स की तरफ है तो ये मैंने ए एक्स कैप लिखा है तो ये आपके लिए असाइनमेंट है मैंने ये बोला है कि वेव प्रोपोगेशन माइनस जेड डायरेक्शन पे हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन आपको चेक करना है कि क्या मैंने ये सही लिखा है यदि सही लिखा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए और इस लेक्चर में इतना ही इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि हम किसी भी फील्ड को देख के ऐसे इस तरीके के फील्ड होंगे उससे हम टाइम हार्मोनिक फॉर्म फेज़र फॉर्म पे कैसे इक्वेशन को लिखते हैं क्योंकि हम वेव प्रोपगेशन थ्योरी जब पढ़ते हैं तो हम फ्रिक्वेंटली फेज़र फॉर्म टाइम हार्मोनिक फॉर्म यूज़ करते हैं इसलिए हमें वो भी सीखना जरूरी है तो इस लेक्चर में इतना ही और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू